बिल्कुल, आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर वन आपको जो कंप्लीट करना है बेटा, बेटे हो सकता है तो ये वाली लाइट ऑफ कर दीजिए, यहां से रिफ्लेक्शन पड़ रही है। हाँ नहीं अभी भी है थोड़ा, चलो ठीक है फिर भी कंपेरेबल है बेटे। ऑल ऑफ यू बेटा कंसेंट्रेट नाउ टू फाइंड, आ जाइए जी, द फोकल लेंथ ऑफ ए कंकेव मिरर। सेकंड मिलता जुलता इसके साथ एक्सपेरिमेंट है, सेकेंड वन इज टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। पहले पहले वाला देखेंगे फिर मैं दूसरे वाला आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कंकेव मिरर, नहीं चार है, चारों करवा देने आज मैंने। कंकेव मिरर आपको कुछ इस तरीके का कंकेव मिरर आप जानते हैं ऑलरेडी होता है, ये आपका पेंटेड सरफेस कंकेव मिरर का, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इस केस में हम अज्यूम किया करते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा हो, इंफिनिटी से रेज ऑफ लाइट आ रही है, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता है, ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस में से पास कर जाएगी रे। अगर एक और रे हम अज्यूम कर लेते हैं तो वो जो रे ऑफ लाइट है अगेन इंफिनिटी से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास कर जाएगी। आई जस्ट मीन टू से दैट कि जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज आपका फोकस पे बन जाया करता है, और आप ये पोल से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसको आप फोकल लेंथ कहा करते हैं। कोशिश करूंगा मैं बेटे हेल्प करना, जरा ये पकड़ाना मीटर और। ओ मीटर रॉड कौन सी है, ये भी पकड़ाओ। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। सो डियर चिल्ड्रन, सारे स्टूडेंट्स देखिएगा, अब जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं बेटा, मैं सिर्फ इस तरफ जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एज ऑब्जेक्ट लेकर आपको बता सकता हूं, या इस तरीके से है, आप जैसे जानते हैं जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है इमेज उसी तरफ होगा, ठीक है जी। अगर मैं इस तरफ ऑब्जेक्ट लूंगा इमेज भी इसी तरफ होगा, दैट विल बिकम डिफिकल्ट बिकॉज इधर इनफाइनाइट डिस्टेंस मेरे पास है नहीं, तो मैं वो बैक जो वॉल है उसके पास बेटे शिफ्ट हो रहा हूँ, जा रहा हूँ। आप लोग अपनी सीट पे ही बैठे रहिएगा, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं इमेज दिखा पाऊँ। इसके ऊपर स्केल के ऊपर बेटे मार्किंग्स हैं सारी, 0 से लेकर 100 तक मार्क किया हुआ है, तो वहां से देख के आपको पता चल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर पे है। सो आप अपनी सीट पे रहिएगा। लेट मी डू दैट। जो भी है मैं इसको एज एन ऑब्जेक्ट लेकर बेटा ट्रीट कर रहा हूँ, ये दीवार मेरे पास स्क्रीन की तरह काम करेगी, ये मैंने इसको मैंने बेटा यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट मेरा अभी ये सामने वाले ट्रीज है, सामने वाला बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है, लेंस को सॉरी मिरर को थोड़ा सा अपनी साफ करके टॉप वगैरह का लगाओ, कोशिश करिएगा जी।
आसान बड़ा ही सिंपल सा काम है बेटा। लाइट ऑन कर लीजिएगा बेटे, पकड़िएगा इसको, इसको भी पकड़िएगा। तो बेटा आप तो थोड़ा मैं गाइड कर दूं लिखना कैसे है। यस बेटे, इस केस में आपने बेटे क्लियर एंड शार्प अपने वो SUPW ब्लॉक का उल्टा इमेज दीवार पे देख लिया। सिंपल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। और आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे कैसे बेटा, आपके पास एक वाइट पेज होता है और एक बेटे लाइंस वाला पेज होता है। बेटे समझ लीजिएगा, लाइंस वाले पेज पे एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, ऑपरेटर्स क्या चाहिए सुन लीजिए ना, और प्रोसीजर सब कुछ आपकी नोटबुक पे लिखा रहता है। आप सिंपली वहां से देख लेना, जैसे जैसे मैंने करके दिखाया वही लिखा होगा उन्होंने, कोई अलग नहीं। एंड प्रिकॉशंस, आपको कौन कौन सी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है इसका भी आपको वहां पे लिखना होता है। इस साइड पे डियर चिल्ड्रन व्हाइट पेज पे क्या लिखोगे, एक्सपेरिमेंट का नाम यो यहां पे है, ऑपरेटर्स कौन सा चाहिए जो इधर है वही, फॉर्मूला यूज, डायग्राम, थ्योरी। थ्योरी में कि यही जब आप अपना ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे लोगे इमेज विल बी एट फोकस एंड ऑल दैट, या जो भी। हाँ जी है? एक बच्चा बता दीजिए क्या कह रहे हो, क्या कहाँ लिखा है नोटबुक के ऊपर, डिटेल लिखी हुई है सारी लैब मैनुअल के ऊपर, ठीक है। एक मिनट मुझे करने दीजिएगा बेटा। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या रीडिंग ली आपने और कौन कौन सी रीडिंग्स आपने ली हैं। ऑब्जर्वेशंस में आपका आ जाएगा बेटा फोकल लेंथ इज इक्वल टू -13 सेंटीमीटर, आपने यही ऑब्जर्व किया है ना। एंड ऑब्जर्वेशन के बाद होता है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस वैसे तो यहां पे आपकी कोई बनती नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हो फोकल लेंथ आपका -13 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस एफ होगा, एफ विल बी इक्वल टू आर अपॉन टू, कुछ ऐसे आप अपने स्टेप्स लिख सकते हो। इसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट में आप इसी को लिख दोगे, सिंपल एक्सपेरिमेंट है इसमें कुछ नहीं है। रिजल्ट के बाद आपका आ जाता है बेटा एरर, अगर कोई हो देन परसेंटेज एरर, राइट बेटा। ये चीजें आपने व्हाइट पेज पे लिखनी है, अगर एक पेज पे नहीं आती अगले पे चले जाइए, उस पे नहीं आती अगले पे चले जाइए। और सबसे बड़ी बात, इस तरफ आपने पेंसिल यूज करनी है, लेड पेंसिल, इस तरफ आपने पेन यूज करना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा।
राइट और डियर चिल्ड्रन आगे सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट देखिएगा ये है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव सॉरी कन्वेक्स लेंस का हाँ जी मेरे पास है नहीं बेटा कन्वेक्स लेंस देखिएगा ये आपका कन्वेक्स लेंस है और ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस हैं फोकस ट्वाइस एफ अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनता है फोकस पे वेरी नाइस ये एक रे आ रहा है ये एक रे आ रहा है और ये डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ कहलाता है अब मेरी ध्यान से बात सुनिएगा इसका मिरर से क्या फर्क है मिरर में आपका जिस तरफ ऑब्जेक्ट था इमेज उसी तरफ था इसमें जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इमेज उससे दूसरी डायरेक्शन में है वो पकड़ना जरा वो लेंस पकड़ो उठ जाए ऐसे मत किया करो बेटे थैंक यू यस आ जाइए मेरे पास से ना यहाँ आ जाइए हैं थोड़ी हेल्प चाहिए आपकी कोई प्रॉब्लम है ठीक नहीं हो बैठो फिर आप चल भाई आप आ जाओ आप पहले बता दो ना हाँ जी टाइम लग जाएगा ना ज्यादा ये पकड़िएगा बेटे अगर पकड़ के रखो जरा ऐसे ही आप इधर आओ ना इसको पकड़ो आपका बेटा ये देखो कन्वेक्स लेंस आपको दिया गया है इसकी दोनों सर्फिसेस को प्रॉपरली साफ कर लेना है अपने क्लीन कर लेना है सामने वाला SUPW ब्लॉक जहां पे ये विंडोज मेरे बिल्कुल सामने हैं इनको मैं एज एन ऑब्जेक्ट लूंगा और यस कोशिश करिएगा बोर्ड पे फोकस करने की बेटे आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है आप एक मिनट रुक जाओ बच्चे ये वाला विंडो ये वाला जो आपके रूम का है प्लस जो इससे आगे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ही एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहे हैं बड़ा छोटा इमेज दिखाई देगा जितना ये देखिए आपको पूरी बिल्डिंग आई होप दिखाई दे रही होगी बड़ी छोटी सी किसको नहीं दिखाई दिया अब दिख रही है मेरे हैंड को नहीं देखिएगा इसको देखिए यहाँ पे क्लियर है उतर आ जाओ इधर अरे आजा जल्दी रॉड ले आना साथ में इसको यहाँ से पकड़ के रखिए सो डियर चिल्ड्रन अपना हाथ आपका साथ ही यहाँ पे शार्प इमेज बन रहा है और बस थैंक यू बेटा थैंक यू सो नाइस ऑफ यू 18 सेंटीमीटर्स यहाँ पे आ रहा है इट इज 18 सेंटीमीटर्स बेटे इनको दोनों को उतर रख दो उधर इधर रख दीजिए सो इसकी फोकल लेंथ बेटा जो है 18 सेंटीमीटर प्लस की आएगी और आप ऐसे निकाल सकते हो आई होप सारे क्लियर है हमने मल्टीपल या टू बना लीजिए मिनिमम टू चाहिए होती हैं आप जितनी मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं आप मिनिमम टू ड्रॉ कर सकते हैं राइट बेटे इसके बाद बेटे मेरे पास छोटा सा एक और एक्सपेरिमेंट है टू ड्रॉ द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म एंड टू मार्क द डिफरेंट एंगल्स बेटा टू ड्रॉ तीसरा एक्सपेरिमेंट है द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास
प्रिज्म एंड देन हम इसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स भी मार्क करेंगे. बच्चों ये आपका ग्लास स्लैब, सबसे पहले आप ग्लास स्लैब ऐसे प्लेस करोगे, इसकी बाउंड्री मार्क कर लोगे, करके दिखाऊंगा आपको मैं. इसका नाम आप ए बी सी रख लोगे कुछ. सेंटर रफली आपने मार्क कर लिया, ध्यान से समझिएगा स्टेप्स. सेंटर रफली मार्क करके इस पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया अपनी तरफ से, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, डी निकाल के रखना जरा. और आपने कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये लाइन अपनी तरफ से बना दी. आपका ये एंगल नोन एंगल होगा, एंगल आई कहलाएगा. इस फेस से जब आप देखोगे आपका जो रे ऑफ लाइट है इस तरीके से आपको दिखाई दे देगा. हमें कैसे पता कि ये कौन सा रे है, उसको समझने के लिए आप इस रे पे एक पिन नंबर वन, पिन नंबर टू, दो पिन्स लगा दोगे. जब आप यहां से देखोगे आपको दोनों पिन्स एक लाइन में दिखाई देंगी, इनके बिल्कुल इन लाइन आपने तीसरा पिन और चौथा पिन लगा दिया और इनको ज्वाइन कर दिया. बेटे ज्वाइन करने के बाद फिर आप इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दोगे. इसके बाद यहां पे नॉर्मल आ गया, ये आपका एंगल ई, ये एंगल ए. और अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लूं ऐसे, इसको ऐसे एक्सटेंड कर लूं, ये एंगल डेल्टा आ जाता है. आई प्लस ई ए प्लस डेल्टा के बराबर आ जाना चाहिए. आइए चेक करें. उठिए आप, उठ जाइए, इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए. वो पकड़िए बेटा जल्दी से, जरा वो बोर्ड पकड़ लीजिएगा. So dear, 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 dear students, ये आ जाइए प्लीज. आपका ग्लास प्रिज्म है, इसके जैसे आप जानते हैं फाइव फेसेस होते हैं. इसको हमने ऐसे रख लिया. ये ऐसे का ऐसे रख दिया. रखने के बाद पेंसिल दीजिए. इसकी मैं बच्चों सिंपली इसकी बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा. बाउंड्री ड्रॉ कर दी, आपको दिखाता हूं मैं. सिर्फ बाउंड्री मार्क किया और कुछ नहीं किया. बाउंड्री मार्क करने के बाद इसके मिडल में रफली मैंने एक पॉइंट लगा दिया, रफली अंदाजे से. आपने बेटा यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया, एंटर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अपनी तरफ से मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चूज किया, ये राइट एंगल पे लाइन ड्रॉ कर दी. अब मुझे नहीं पता मैं इस एंगल पे अंदाजे से ये लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ ऐसे ही. और जब हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे ये हमारा इंसिडेंट रे बेटा बन गया. ध्यान दीजिएगा ये आपका इंसिडेंट रे बन गया है और इससे गुड़िया पिन दे दो. इससे आप पेंसिल लगा देंगे. दो चार ले आइएगा, जल्दी आ जाइएगा, जरा टाइम कम है. प्लीज 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 बोलिए कम. एक पिन यहाँ पे लगा दिया और इसीलिए होता है, आप यूज कर सकते हैं, मैं ऐसे कर लूंगा. दो पिंस लग गई हैं. अब हम इसको दो पिंस ले ना, बाकी छोड़ दिया. इसको पता हमने जैसे उठाया था वैसे ही वापस रख दिया. ठीक है जी, खुशी विल कम फ्रॉम दिस साइड. जल्दी से जरा आ जाएंगे. Thank you.
ये तीसरा पिन इनके लाइन में लगा दे, तीनों हाँ हाँ तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए प्लीज। आप आ जाओ तीनों पीस दिख रही है, तीनों लाइन में ही है, चौथी दो चारों पीस लाइन में होनी चाहिए, उल्टी जा रही है भैया। खुशी थोड़ा सा फर्क ना होगा, उठ भाई जरा उठ जा जल्दी, हाँ हाँ तो मैं नहीं करते रहोगे, उठो फटाफट। ये यहाँ से देखो चारों फेस दिख रही है, उड़िया इधर जाओ, उठ जाओ जल्दी से, ये चारों फेस दिख रही है, चारों चौथी भी देखो ना बेटा। डियर चिल्ड्रन मैं सारे बच्चों को नहीं बुला सकता, लिमिटेशन है टाइम का, सो प्लीज देखिएगा ये चारों पिंस आपने खुद देखा है एक ही लाइन में है, पेंसिल दीजिए। और बच्चों पिन नंबर वन निकाल दिया, पकड़िएगा साथ साथ, इधर आ जाइए मेरे पास, पी वन, पिन नंबर टू, पिन नंबर थ्री, पी थ्री, पिन नंबर फोर, पी फोर, और पी थ्री और पी फोर को थैंक यू ज्वाइन करने के लाइन के साथ, ये और ये हमने सीधी लाइन लगा दी, तीन पॉइंट्स को भी ज्वाइन किया, और सो डियर चिल्ड्रन कुछ मैंने और ज्यादा इसमें अमेंडमेंट नहीं की है, एंगल आई, एंगल ई, और ये एंगल डेल्टा आ गया, और एंगल ऑफ प्रिज्म आपको बताइए। अब मैं मेजरमेंट कर देता हूं, आप नोट करिएगा, आप एंगल्स को नोट कर लीजिएगा, भैया मैं कर देता हूं। एंगल आई 60, आई 60 का डेल्टा 40। खुशी पुत्र लिखवाओ जरा मुझे वैल्यूज, आई कितना था, ई कितना था, ए कितना है, ये 60 होता है डेल्टा, तो ये 100 डिग्री से मैंने आपको बोला था बच्चों, या 4 डिग्री का फर्क अलाउड होता है बच्चों को, मोर ओवर यहाँ पे हम बेटे स्टेबल मैनर में कर भी नहीं रहे थे, तो हाँ जी एक बच्चा है तो ये आपका बराबर आ जाता है बेटे। इस तरीके से आपको डियर चिल्ड्रन एंगल्स मार्क करने हैं, और चंक
इसको पकड़ लीजिएगा, सारी क्लास को प्रोवाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको संभालो और दोनों ही आ जाओ फटाफट आगे अगला वाला करें। इसको रख लो उधर अपने पास। अगले वाला एक्सपेरिमेंट है टू ड्रॉ द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब, टू ड्रॉ द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। जरा कोशिश करिएगा बच्चों। ये आपका ग्लास स्लैब बेटे, समझिएगा थोड़ा सा, स्टेप्स को समझिएगा। आपने बाउंड्री ड्रॉ कर ली सबसे पहले, जैसे हमने अब की थी, इस एंड के नजदीक बेटा अर्शीन, इस वाले एंड के पास हमने अपनी तरफ से पॉइंट लगा दिया, अपनी तरफ से ही लगाकर इस पे मैंने नॉर्मल भी अपनी तरफ से ड्रॉ कर दिया। लास्ट गुड़िया ध्यान दो, ये हमने अपनी तरफ से एक लाइन बना दिया, इंसिडेंट रे आप इसको कहते हो। अगर आपका प्रिज्म नहीं होता तो, सॉरी स्लैब नहीं होता, तो इसने ऐसे चली जाना था रे ने, बट अब स्लैब है, आप इस पे दो पिन लगा लो, पिन नंबर वन पिन नंबर टू। जब आप इस फेस से देखोगे आपको पिन नंबर थ्री एंड फोर एक लाइन में लगा देनी है, इनको ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन करिए, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। एंगल आई एंगल ई बराबर आ जाने चाहिए, इट विल बी एंगल आर। स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ, आ जाओ बच्चों, शीट ले आइएगा, पिन इधर रख दो, पकड़िएगा इसको, पकड़िएगा ये हमने सब इसको पकड़ लेना, इसको पकड़ लेना, हमने पेपर फिक्स किया, इसके फेसेस थोड़े से क्लीन करके ऐसे रख के बाउंड्री ड्रॉ करनी है। हमने ये डियर चिल्ड्रन इसका नाम ए बी सी डी रखा, इस एंड के नजदीक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर देनी, कोई पॉइंट चूज करके। ये बेटा लाइन हमने लगा ली इस एक एक करके, लाइन के ऊपर मैं पिन्स लगाने जा रहा हूं। सेकंड पिन लगा दिया, वापिस हमने रखा इधर से, आइए देखिए दोनों पिन दिख रही हैं, अपना फेस टर्न करो, तीजी पिन दीजिए, पहले चुनी चाहिए।
मशीन गेट रेडी उठ जाओ देखो जरा चालू में कितनी लाइन में रघुन आ जाइए आ जाइए प्लीज वन बाय वन ये देखो चारों की पकड़िएगा जरा पिन नंबर 4 3 मैं ना आ रहा हूँ जल्दी टू एंड वन चारों पिन सबने लगा दी है कम खास इनको ज्वाइन करो P3 T4 को सीधी लाइन बनाओ फटाफट आगे तक एक्सटेंड कर दो इसको उसको ज्वाइन करना उसने पैरेलल जाना हाँ एक्सटेंड कर So dear children, ये सारा हमारा बना ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ये एंगल ई आर इट इज ऑल्सो आर एक मिनट सर मैयर करो एंगल आई डियर चिल्ड्रन एंगल आई 38 नोट करिएगा एंगल ई नोट करिएगा 38 ठीक है सो डियर चिल्ड्रन एंगल आई कितना सी थी एंगल आई 38 डिग्री एंगल ई एंगल आर सो बच्चों जब भी आपका रे एयर से या रेयर से थैंक यू ऑल बेटा इसको संभाल लीजिएगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा एंगल आर एंगल आई से छोटा खुशी सारा सामान छोड़ गया हुआ बस थैंक यू ऑल